5@5 को आपण मानको स्वागत करूछि मु बंदिता जीवन संग्राम रे हारी गले उन्नाव पीड़िता पांच जणक द्वारा आक्रमण रो शिकार होइथिबा उत्तर प्रदेश उन्नाव रो गणदुष्कर्म पीड़िता गतकाली राती रे आखी बुझिछंती सेपटे हैदराबाद दुष्कर्म मामला रे अभियुक्तक पुलिस रो एनकाउंटर को विरोध सुप्रीम कोर्ट रे पहुंचीछि हैदराबाद एनकाउंटर मामला एपरिक एनएचआरसी टीम घटनास्थल रे पहुंची तदंत आरंभ करिछि सेपटे खोरधार बरुणेई रे स्थापन हेब पाइक विद्रोह स्मारकी स्थल रो भित्तिप्रस्तर स्मारकी शुभ देवा आसुछंती दुई दिनिया ओडिशा गस्तरे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ए सब खबर को विस्तृत भाव देखिबा किंतु ता पूर्वरु नजर पकाइबा वर्तमान रो हेडलाइन्स पर जीवन युद्ध रे हारी गले उन्नाव पीड़िता राजनैतिक आक्रोश समालोचना जारी अखिलेश को धारणा पीड़िता परिवार को भेटिले प्रियंका मुख्यमंत्री योगी कहिले नियाजीव दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान हैदराबाद एनकाउंटर को विरोध सुप्रीम कोर्ट रे पीआईएल सेपटे अभियुक्त मृतदेह सुरक्षित रखा तेलंगाना हाईकोर्ट का निर्देश सोमवार मामलार शुणी तदंत आरंभ कले एनएचआरसी टीम बरुडेई स्थापन हेब पाइक विद्रोह स्मारकी स्थल भित्तिप्रस्तर शुभ देवा आसुछंती राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्मारकी निर्माण रे खर्च हेब 200 कोटि भुवनेश्वर केन्द्रीय विद्यालय 3 छात्री आत्महत्या उद्यम मंचेश्वर थाना रे मामला रुजु स्कूल अध्यक्ष को पुलिस पचराउचरा निर्यातना अभियोग को अध्यक्ष खंडन झारखंड विधानसभा निर्वाचन द्वितीय पर्यायर 7 जिलार 20 आसन पर मतदान शेष मैदान में मुख्यमंत्री और बाचस्पति समेत बहु हेवीवेट 260 प्रार्थी भाग्य निर्धारण करे 48 लाख भोटर नजर पकाइबा टॉप 1 खबर उपर पांच दुर्वृत्तों द्वारा आक्रमण शिकार होता उत्तर प्रदेश उन्नाव गणदुष्कर्म पीड़िता गतकाली राति आखि बुझिछंती गतकाली राति 11:40 दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल पीड़िता प्राण हर गुरुवार सका पीड़िता केस्र शुणी रायबरेली कोर्ट जाता बेले गांव में पूर्व लुचि रही पांच जन दुर्वृत्त पेट्रोल ढाली निआ लगे फल पीड़िता शरीर 95% जली जाता अति संकटापन्न अवस्था प्रथम लखनऊ सरकारी हस्पिटाल भर्ती करा अवस्था उद्वेगजनक होबार एयर आंबुलांस जोगे दिल्ली सफदरजंग हस्पिटाल को स्थानांतर करा मात्र सबू चेष्टा सत्वे डाक्टर माने बचाई पार नथिले मृत्यु पूर्व से बचाक चाहूबा निज भाई को कहते आउ दोषी को कड़ा दंड देवाक पीड़िता गत वर्ष डिसेंबर मासरे उन्नावर युवती गांवर दुई जन युवक दुष्कर्म करते अभियुक्त मानू पुलिस गिरफ्त कर जेल पठाई तेरे निकट में जमिन में आसी युवती हत्या करने योजना करते गुरुवार से मिशि पीड़िता पेट्रोल ढाली जीवंता जाड़ीदे उद्यम करते सब घटनार किसी समय पर पीड़िता बयान रेकर्ड कर ग्रामर हरिशंकर त्रिवेदी रामकिशोर त्रिवेदी उमेश बाजपेयी शिवराम त्रिवेदी और शुभम त्रिवेदी एक कांड घटाई पीड़िता कहते बयान आधार में पुलिस अभियुक्त मानू गिरफ कर वो बात सही है क्या हुआ कैसे हुआ हमको अब इस मामले से कुछ लेना देना कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा लास्ट पॉइंट है क्योंकि मुलजिम है नहीं जिसने बड़े जिगर से ये केस जीते हैं लड़ाए हैं और हम कुछ नहीं कर पाए हैं बस उसका आखिरी पॉइंट यही था और वही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें बस यही चाहिए मेरी बहन ने ये बोला है कि भैया ये पांच नाम इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए हमने कहा नहीं रहेंगे अगर इस तरह से होता रहेगा तो हमने आपको पहले भी बताया कि फिर इस देश को कोई नहीं बचा पाएगा खंडक से कोई नहीं बचा पाएगा इसका इस दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा ये हमको पूर्ण विश्वास हो जाएगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो और हो गया तो आशा रखेंगे आने वाली पीढ़ी नहीं कुछ होगा योगी सरकार मोदी सरकार कोई भी सरकार हो पूरे देश से हमारी बस यही मांग है कि मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है तो मुलजिम ये पांचों के नाम इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए।
ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଉନ୍ନାଓ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଆଜି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଉନ୍ନାଓ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି। ୟୁପି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଶୋକସଭା କରିବା ସହ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ୟୁପିର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଅଖିଳେଶ ସିଂ ଯାଦବ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଯୋଗୀ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଖିଳେଶ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଉନ୍ନାଓରେ ପହଞ୍ଚି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ମାମଲାର ବିଚାର କରାଯିବ। ସଫଦରଜଙ୍ଗ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କୋଶିଶ କେ ବାଦ ଭି ଉସକି ଜାନ ନହିଁ ବଚ ପାଇ। ୟେ ହମାରେ ଲିଏ ଜୋ ଆଜ କେ ସମୟ ପର ହମ ଜୋ ଲୋଗ ସମାଜ ମେ ରହ ରହେ ହୈଁ हमारे लिए ये काला दिवस है कि एक बेटी जो न्याय मांग रही थी हमसे न्याय नहीं दे पा रहे। और ये उत्तर प्रदेश की और इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली घटना नहीं है। याद कीजिए वो समय जब मुख्यमंत्री आवास के सामने बेटी आकर करके अपने लिए न्याय मांग रही थी, न्याय नहीं मिला उसको, उसे आत्मदाह करने की कोशिश करनी पड़ी, तब जाकर के FIR लिखी गई। और याद करिए वो घटना जब बाराबंकी की बेटी यहीं पर आई थी मुख्यमंत्री आवास में, उसने भी आत्मदाह किया और बाद में उसकी जान नहीं बची। उन्नाव की बेटी, उसने एक ने तो पूरा परिवार खो दिया। कौन दोषी था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी थी। और ये भी बेटी जिसकी जान गई है आज, उसके भी दोषी कोई है तो सरकार। सिर्फ हमारा बहन इस दुनिया में नहीं है तो वो लोग इस दुनिया में रहना चाहिए, बस हमारी यही मांग और यही होना चाहिए। आपकी बहन से लास्ट जब यहाँ लाए थे, बात क्या हुई थी, क्या कहना चाह रही थी आपसे वो? वो तो हम बता चुके हैं जी। हमारी लास्ट मुलाकात हुई कि भैया हमें बचा लो, मैं मरना नहीं चाह रही। देखिए, जो भी दोषी है इस वहशी और बर्बर अपराध के लिए, उसको पूरी से पूरी सज़ा और जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। आज जो है वो यही सभी लोगों की भावनाएं हैं और यही सभी लोगों की आवाज़ है। इलाज के लिए समुचित प्रबंध राज्य सरकार की ओर से किए गए। हमने लखनऊ में इलाज कराने की जगह दिल्ली पीड़िता को भेजने का काम किया, लेकिन हम बचा नहीं पाए। और रात को ही समाचार मिला कि वह बेटी हम सबको छोड़ करके चली गई है। जो घटना के अपराधी हैं उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। जितनी जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट का इस उपयोग करके या अन्य भी जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, वह सारे ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे और इन अपराधियों को जो दंड दिलाना है कानून सम्मत, वह दंड दिलाने का काम होगा। और प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं को नियंत्रित करने की दृष्टि से सरकार के स्तर पर, पुलिस के स्तर पर जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वह जरूरी कदम उठाए गए हैं और भी समीक्षा करके और भी जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। हैदराबाद दुष्कर्म मामला रे अभियुक्तों को पुलिस रो एनकाउंटर को विरोध। सुप्रीम कोर्ट रे पहुंची हैदराबाद एनकाउंटर मामला। एनकाउंटर को विरोध करी सुप्रीम कोर्ट रे जनस्वार्थ मामला दाखल करिछंती सुप्रीम कोर्ट वकील GS मणि। मामला निरपेक्ष जांच सह साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सजनार को विरोध रे मामला रुजुपाई आवेदन रे उल्लेख करा जायछि। एथिस एनकाउंटर रे शामिल समस्त पुलिस को विरोध रे मध्य मामला रुजुपाई दाबी करिछंती वकील। एथिस सोमवार आवेदन उपरे तुरंत सुनानी पाई दाबी करिछंती। गतकाले हैदराबाद रे महिला डाक्तरानी को दुष्कर्म एवं हत्या मामलार समस्त चारि अभियुक्तन को एनकाउंटर करा जायथिला। फाइल किया है, बात सच है। सोमवार को हम उसको मेंशन करेंगे ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने। ऑनरेबल चीफ जस्टिस उस पर तय करेंगे कि हमारी प्रेयर सही है नहीं सही है। अर्जेंट हियरिंग के लिए हम मेंशन करेंगे और उसमें एक फेयर ट्रायल की मांग करेंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मोटिव गलत है और जो पुलिस कमिश्नर के अंडर में ये सारा एनकाउंटर हुआ है, उन्होंने इसके पहले भी 3-4 एनकाउंटर करवा चुके हैं। हैदराबाद महिला डाक्तर गणदुष्कर्म एवं हत्या घटनारे चारि अभियुक्तों को एनकाउंटर घटना को गुरुतर सह नेइछंती तेलंगाना हाईकोर्ट। सोमवार राति 8:00 पर्यंत शबगुड़ी को सुरक्षित रखा को निर्देश देइछंती कोर्ट। सूत्रों मिली सूचना अनुजाई मुंबईर जड़े वकिल एने तेलंगाना हाईकोर्टे एक मामला रुजु करिछंती।
चारि अभियुक्त को एनकाउंटर करिथिबा पुलिस कर्मचारी विरोध में एफआईआर रुजु करिबाकु से निवेदन करिछन्ति। एहाकु ग्रहण करिछन्ति तेलंगाना हाईकोर्ट। आसंता 9 तारीख में यार शुणा हेबो। सेपटे घटनार तदंत पई हैदराबाद रे पहुंचंती एनएचआरसी टीम। ए टीम एनकाउंटर स्थल और डाक्तरखाना को जाई सरजमीन तदंत करुछन्ति। हैदराबाद रे समस्त अभियुक्त प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आसिबार संभावना अछि। हैदराबाद महिला डाक्तर गण दुष्कर्म और हत्या घटना रे चारि अभियुक्त को गतकाली एनकाउंटर करथिला पुलिस। क्राइम सीन रिक्रिएट करबाकु चारि जण अभियुक्त को पुलिस घटनास्थल को नेथिबा बेले सेठारु सेमाने खसी पळाइबाकु उद्यम करथिले। एपरिकि सेमाने पुलिस ठारु बंदूक छड़ाई नै गुळी चलाइथिले। पुलिस पलटा जवाब रे चारि अभियुक्त घटनास्थल रे ही मृत्यु होइथिला। हैदराबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल हुई, उसमें कोर्ट ने बाकायदा आदेश दिया कि इन जो जो शव है उनका अंतिम संस्कार 9 तारीख की शाम को 8 बजे से पहले उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाना चाहिए। यानी इसके मुताबिक जो शव है उसकी शिनाख्त, उसकी तस्दीक और उनके कैसे गोली लगी, कितनी दूर से गोली लगी, इस बात की पड़ताल जो है वो NHRC की टीम भी करना चाहती है। सोमवार को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हिना कि सोमवार को हो सकता है कि है जो जब इस मामले की सुनवाई के लिए जो दिन मुकर्रर है यानी 9 तारीख को 9 दिसंबर को हैदराबाद हाई कोर्ट है वो आदेश कर दे कि इस मामले में दोबारा पोस्टमार्टम होगा। तो ये जो रिट पिटीशन फाइल करने वाले लोगों ने इस तरह की डिमांड की है कि इस मामले की जो है पूरी पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होनी चाहिए और शवों का अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए। तो अभी फिलहाल जो है कल उसकी वीडियोग्राफी होने के बाद उसकी CD जो है वो महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज को सौंप दी गई है। इसके अलावा अब सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी हैदराबाद हाई कोर्ट में। महिला को सुरक्षार ग्यारंटी दे पारिबो नाही एनकाउंटर। जदि एपरी होइथांता बारंबार एपरी घटना घटंता नाही बोली प्रगतिशील महिला संगठन कहिछि। ए संगठन जने सदस्य हैदराबाद एनकाउंटर विरोध रे हाईकोर्ट रे एक मामला दायर करिछंती। से कहिछंती 2008 रे वारंगल रे एसिडाटा घटना रे 3 अभियुक्त को एनकाउंटर करा जाइथिला। एहा परे मध्ये वारंगल रे 10 रु अधिक महिला को उपरे एसिडाटा होइछि। एहा को नै संध्याकर कोन रहिछि प्रतिक्रिया तांको भेटथिले हम प्रतिनिधि संजय तिवारी। प्रगतिशील महिला संगठन की मैडम संध्या हमारे साथ मौजूद हैं जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने हैदराबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की है। इस पूरे जो एनकाउंटर है उस पर सवाल उठाएं। मैम रिट पिटीशन फाइल करके आपने कुछ सवाल उठाए, क्या आपको लगता है, क्या ये एनकाउंटर आपको लगता है ठीक नहीं हुआ है, फेक है? एनकाउंटर मुस्लिम लोगों को कल्प्रिट्स को पनिशमेंट देना, सजा देना हमको ऑब्जेक्शन नहीं है। कैसा भी कौन भी या रिच पोर अपर कैस्ट लोअर कैस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ कैस्ट क्लास एंड इन्फ्लुएंस्ड पीपल दे शुड बी पनिश। प्रियंका के ऊपर अत्याचार और मर्डर जो है वो तो वेरी वेरी ब्रूटल मर्डर है, मगर कल्प्रिट्स को पकड़ना और सजा देना सही है, मगर ये क्या करे पुलिस ये केस के बारे में? बिना पुलिस कोई भी नहीं है इसमें। इतना जल्दी में सिर्फ पुलिस लोग बोला ये है कल्प्रिट्स, सिर्फ पुलिस लोग बोला ये, हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन लिए और प्रूफ्स भी है, वो लोग मान लिया। वो लोग मान लिया बोल के कौन बोल सकते? एवरीथिंग इसमें मीडियम कौन है? पुलिस है, पुलिस के अलावा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों बोलते? उसी जगह जाके उतना आधी रात 3:30 उतना रात में अंधेरा में वहां जाने का जरूरत क्या है? डिमांड क्या है जो रिट पिटीशन फाइल की है, आपकी डिमांड क्या है, क्या चाहते हैं आप इस पूरे मामले में जो होना चाहिए? नहीं, एक्चुअली प्रियंका को भी जीने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए जीने के लिए हक है। वो जो हक प्रियंका के पास से छीन लिया वो तो बहुत बुरी बात है, किसी को भी ऐसा नहीं होना। प्रियंका का डेथ के ऊपर सबका पेन है, सबको पेन है, उनका फैमिली को भी, हमको भी है, मगर इसमें चार पूरा आदमी को लाके यही लोग
कल्प्रिट है बोल के एक डिक्लेयर करके मारना अच्छा नहीं है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, उनका साफ तौर पे कहना है कि एनकाउंटर किसी भी महिला की सुरक्षा को मुकम्मल नहीं कर सकता है। एनकाउंटर इसका कोई जवाब नहीं है। कोर्ट के थ्रू जो है इस पूरे मामले में इंसाफ होना चाहिए, एक बात। दूसरा उनका सवाल यह है कि जो बड़े लोग जो इस पूरे इस तरह के मामलों में शामिल हैं, क्या उनका भी एनकाउंटर पुलिस इस तरह से करेगी? उन्होंने पूरे इस पूरे मामले में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो है पूरे एनकाउंटर को शक के दायरे में रख रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, कौन लोग हैं और क्या किन्हीं बड़े लोगों को बचाने के लिए ये एनकाउंटर किए गए, ये सवाल वो उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये पुलिस ने ये एनकाउंटर को प्लांट किया है तो फिर उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन जगन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। आसिबा टॉप 3 खबर को। आज ठारु दुई दिनिया ओडिसा गस्तरे आछन्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ए अवसर राष्ट्रपति खोर्धा बरुणेई पाददेशर थिबा पाइक स्मारकीर भूमि पूजन करिबे। 1817 मसीहारे होइथिबा प्रथम स्वाधीनता संग्राम पाइक विद्रोहर 200 वर्ष पूर्ति अवसर खोर्धा बरुणेई ठारे पाइक स्मारकीर भित्तिप्रस्तर स्थापन करा जिबो। आगामी पीढ़ी पाइकमानंकर देश स्वाधीनतारे बलिदानर गाथा विषयरे जानि परिबे। एथिपाई 200 कोटी टंका व्ययरे निर्मित हेबो पाइक स्मारकी। प्रकल्प पाई केन्द्र सरकार एवं इंडियन ऑयल अर्थ देबाकु घोषणा करि सारिछन्ति। स्मारकीर शिलान्यास अवसर राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, आंध्रप्रदेश राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, केन्द्र पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, केन्द्र मंत्री प्रताप षडंगी और राज्य पर्यटन मंत्री ज्योतिप्रकाश पाणिग्राही प्रमुख उपस्थित रहिबे। एथिपाई समस्त प्रकार प्रस्तुति जिला प्रशासन पक्षर् चूड़ान्त रूप नेइथिबार कहिछन्ति जिला प्रकल्प निर्देशक। सेपटे राष्ट्रपति गस्त को दृष्टि रखी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जाइछि। କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଆଜି ସେମାନେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ ରାଜଭବନରେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ବରୁଣେଇଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ବରୁଣେଇଠାରେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ 3 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ରହିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ତାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏସ୍ପିଜି ଏବଂ ପାରାମିଲିଟାରୀ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୋଲିସ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ପୁରା ବରୁଣେଇ ରହିଛି ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରହିଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଭାସ୍ଥଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ବରୁଣେଇ ଠାକୁ ଯେଉଁ ବରୁଣେଇକୁ ବାଛିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜାଗାକୁ ବଛାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହେବ, ତା ସହିତ ଏକ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ହେବ ଯାହାକି ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱ ଗାଥା ରହିଛି ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ। ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗସ୍ତ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସି ସଭାସ୍ଥଳ ବୁଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ବଛାଯାଇଛି ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀ? ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବେ ଏଠି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ମହୋଦୟ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁ ଯେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ବା ସ୍ମାରକୀ ଏଠି ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ ଚଳିବନି, ଯଦି ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ସେ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ସେ କଳିଙ୍ଗ ରେଜିମେଣ୍ଟ୍ଟେ କରନ୍ତେ, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆସନ୍ତା 100 ବର୍ଷ କାହିଁକି ଆସନ୍ତା 500 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଦାବି ସେମାନଙ୍କର ରହୁଛି କଳିଙ୍ଗ ରେଜିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ଏଠାରେ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀର ଉନ୍ମୋଚନ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ। ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ତଦାରଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେବ। ବରୁଣେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆସିବା ନେକ୍ସଟ ଟପ୍ ଖବରକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ 3ରେ ଛାତ୍ରୀ ଛାତରୁ ଡେଇଁବା ଘଟଣାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଏତଲା ଭିତ୍ତିରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ପିଇଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଫଳରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଅଭିଭାବକ ସଂଘ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନ ଆସିବାରୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ 3ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରୀତି ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଦେହ ଖରାପ ଦର୍ଶାଇ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଖେଳ ପିରିୟଡ଼କୁ ଆସିନଥିଲେ, ତେବେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଛାତ୍ରୀ ରିଜିଓନାଲ ଅଫିସ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଛାତରୁ ଡେଇଁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଜଣାଇ ନଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଚରା କରିବେ ବୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ 3ର ଜଣେ 11 ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଗତକାଲି ଛାତ ଉପରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। କହିଲା ଏମିତି ପିଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସବୁ ମୋତେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଶୁଣୁଛୁ ମୁଁ ଯାଉଛୁ ଏମିତି କହୁଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ କହିଲା ବହୁତ ଖରାପ କଥା କହିଲେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ କହୁଛି ଏମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ କେମିତି କ୍ୟୁର ହବ ଆମର ସେଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଯେଉଁଠି ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେପଟେ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ଏରିଆ ଅଛି KVS ଏବଂ RO ସେ ସେଇଠି ଯାଇଛି। ତାକୁ ସେଠିକାର ଆଣ୍ଟି ମାନେ ଯାହା ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଲା, କାରଣ ମୁଁ ସେଠି ସର୍ଜମିନରେ ନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ, ମୋତେ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେମାନେ ଯେ ସେମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାହିଁକି ଆସିଛି। ସେ କହିଛି ଯେ କୌଣସି ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଝିଅଟି ଖାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ବି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେ ଭାବିଛି କିଛି, ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛି। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ସେ ସେଇଠି ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ରେ ଷ୍ଟମ୍ବଲ କରିଛି, ଅଦରପଟେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍ ପାଖରେ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ଏରିଆରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଆମ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ। ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରବୀର, ଏ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ସଂଘର ଯେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା ସେ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଲାଣି ନା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ 3ରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଛାତ ଉପରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଘଟଣାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ଯେଉଁ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୟାନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହରି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା କି ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବେ ଛାତକୁ ଗଲେ, ନମ୍ବର ଏକ। ନମ୍ବର ଦୁଇ ହେଲା, ଏତେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ, ଏତେ ପିଲାମାନେ ଥିଲାବେଳେ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲାବେଳେ କେହି କେମିତି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ନମ୍ବର ତିନି ହେଲା, ଏମିତି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଥିଲେ? ତ ଏଭଳି ଅନେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ଘଟଣାରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଯିଏକି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଜଣେ କାଣ୍ଡ କଲେ ଯେଉଁଟାକି ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ବି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ମାଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦିଅ, କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ରହିଲା, ମୋ ଝିଅ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ଏମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରାଗଲା,
क्षय शिक्षयित्री एम कौन कहले जो चरित्र कथा कह चरित्र कथा उठाई गाड़ी गुलज करते जो थी कि असंभाल हो पड़ता है स्थिति एभली होता कि छात्री जनक छात डेईले छात चढ़ी से डेई पड़ते तेणु गोटे पटे पुलिस तदंत अंपटे कार्य कौटे अवहेला रहा अंपटे आप देखिए न्याय मागुच्चो कारण बर्तमान किसी स्पष्ट होना अंपटे पुलिस तार तदंत प्रक्रिया को जोरसोर से कर सारी धन्यवाद प्रवीर सविशेष आलोचना तबे छात्र डेईले छात्री छात्री बापा एतला भित्ति रे पुलिस तदंत आरंभ करी केंद्रीय विद्यालय तीन रही घटना जहाँकि वर्तमान चर्चार विषय पलटि निर्यातना अभियोग को खंडन करिछंती किंतु अध्यक्षा टॉप फाइव खबर को आसीबा झारखंड विधानसभा द्वितीय पर्याय लगी शेष हो मतदान द्वितीय पर्याय सातटी जिलार 20 आसन पर आज भोट नि सुरक्षा दृष्टि माओप्रवण 18 निर्वाचन मंडल अपराह 3 शेष हो मतदान बाकी 2 निर्वाचन मंडल 5 शेष हो भोट ग्रहण द्वितीय पर्याय 260 प्रार्थी मैदान में अच्छा 29 जन होती महिला मोट 48,25,038 भोटर से मताधिकार सब्यस्त कर द्वितीय पर्याय प्रमुख प्रार्थी अच्छा मुख्यमंत्री रघुवर दास सरयू राय प्रदीप कुमार बलमुचु गौरव बल्लभ चंपई सोरेन प्रमुख भोटदान बेले सिसाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 36 नंबर बूथ में हिंसाकांड घटी पुलिस गुड़ में जनकर मृत्यु हो समय सरी टॉप 5 8 5 को 8 रखुचु नमस्कार।